जब अंधेरा होता है तो हर व्यक्ति, किसी को मेज की आवश्यकता है, किसी को कुर्सी की आवश्यकता है, किसी को कमरे में कोई और चीज पड़ी उसकी आवश्यकता है। हर व्यक्ति की जरूरत अलग है, इसलिए अलग अलग जरूरत से वो शिव योग की साधना करने आया है। लेकिन जब शिव योग की ज्योति जलती है तो पूरा कमरा जब प्रकाशित हो जाता है तो सब कुछ दिखता है। खाली मेज ही नहीं दिखती, कुर्सी भी दिखेगी, सोफा भी दिखेगा, डाइनिंग टेबल भी दिखेगी, किताबें भी दिखेंगी, बर्तन भी दिखेंगे, हर चीज दिखती है। उसी प्रकार से जब ज्योति जलती है तो इतना ज्ञान हो जाता है कि मेरे अंदर ही अनंत है। जो शक्तियां परमात्मा के अंदर है, जो परमेश्वर के अंदर है, वही सारी शक्तियां मेरे अंदर भी हैं। मैं असहाय नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं असक्षम नहीं हूं, मैं सक्षम हूं, मैं ही परब्रह्म हूं। मैं अशांत नहीं हूं, मेरे भीतर परम शांति व्याप्त है। मैं कमजोर नहीं हूं, मेरे अंदर अनंत की शक्तियां विद्यमान है। मैं रोगी नहीं हूं, मैं पूर्ण स्वास्थ्य से परिपूर्ण अमृतत्व को प्राप्त वो जीव हूं। ये पहला शब्द अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो पर ब्रह्म हूं। बाहर जो शरीर है ये आवरण है, ये एक मंदिर का दरवाजा है, और इसके अंदर प्रवेश करके जो वास्तविक मैं हूं ये मुझे खोजना है। ये कहा जाता है कि तुम्हारा जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मेरा जन्म लेने का उद्देश्य क्या है। तुम्हारा जन्म लेने का उद्देश्य है तुमको खोजना है। तुम्हारा जन्म लेने का उद्देश्य है कि जो वास्तविक तुम हो उसको खोजना है। जो आई है, आइजेशन है, आई मतलब मैं हूं, आइजेशन, उसको रियल आई को खोजना है, तो रियलाइजेशन करना है। यू मस्ट रीच टू द लेवल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। इसलिए जो पहुंच जाता है जिसमें अनंत की शक्तियां विद्यमान हो जाती हैं, उसको कहा जाता है सेल्फ रियलाइज्ड। और जो सेल्फ रियलाइज नहीं हुआ वो कहता है आई एम सफरिंग, आई हैव ए डिजीज, यहां तक बोलते आई एम डायबिटिक, आई एम दिस, आई एम दैट। वो आपकी वास्तविक पहचान तो है ही नहीं, वो अज्ञानता की पहचान है। जिस दिन रियल आई आपको मालूम चल गया तो आपके अंदर, मान लो मैं सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं कह रहा, बहुत से शिव योगियों ने इस लेवल तक पहुंचे भी होंगे, आप संकल्प करते हो उसी क्षण वो फलीभूत होता है। जो भी आप सोचते हो वो फलीभूत होता है, जो भी आप बोलते हो वो फलीभूत होता है। और ये कोई जादू नहीं है, ये एक साइंस है। शिव योग इज ए साइंस बियॉन्ड साइंस।